पाथड़ा उपमंडल के पिंड कलवाणो के मदनी मदरसा है जिथे मुस्लिम भाईचारे के बच्चे सिक्ख्या हासिल करते हैं। उन्होंने गलबात भी करते क्योंकि उस स्कूल के असी भी कई बार गए हाँ। ये बच्चे उत्थों किस तरह मान लो निकल के समाणा के पिंड खानपुर गाड़ियाँ समाणा के नाल लगता समाणो उपमंडल के पिंड गाड़ियाँ किस तरह पहुँचे और कितने रहने वाले हैं मदरसे के रहने वाले जोड़े आगू हैं। की नाम है थोड़ा जी? अब्दुल रहमान। हाँ, आप वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे पढ़ाते हैं जी, टीचर हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास इस वक्त 75 बच्चे हैं जी। वहाँ हॉस्टल में रहने वाले 55 बच्चे हैं। हॉस्टल में रहने वाले? जी जी, हॉस्टल में रहने वाले। तो ये बच्चे यस में जी यहाँ पढ़ रहे थे? ये तो अभी हमारे पास 22 तारीख में आए थे। हमारे पास कहाँ से? ये मोहाली से, खरड़ से जी। ये तो सिर्फ आप अपनी तामिल दे रहे हैं? नहीं, 8वीं तक स्कूल है जी, पंजाबी हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाते हैं। सारे पढ़ाते जी, पंजाब शिक्षा बोर्ड से जो है। तो ये बच्चे वहाँ से कितने बजे निकले हैं? ये तकरीबन जी हम उठे वहाँ से 5 बजे, तो हमने 5 बजे से पहले देखा तो वहाँ बच्चे है ही नहीं, तो फिर हमने इनको तलाश किया। तलाश करने के बाद फिर इनके माँ बाप के पास हमने फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने भी तलाश जारी की, तो हमने भी तलाश जारी की। तो उसके बाद फिर टेम्पो वाले का किसी का फ़ोन आया कि भाई हमारे पास बच्चे हैं, खानपुर में बच्चे हैं। तो उसके बाद फिर इनसे रब्ता किया, फिर इनसे रब्ता किया। टोटल बच्चे कितने थे? 8 बच्चे थे। कौन कौन सी क्लास में है ये? तो फिलहाल तो अभी नर्सरी क्लास, अभी 22 तारीख में आज हमारे पास जी जी, तो आज निकल गए हैं 22 तारीख में। समझो शाम में जैसे बच्चे निकल गए तो वहाँ पे आपके और बच्चे भी रह रहे हैं? हाँ, और भी बच्चे भी। कैसे निकल गए वहाँ से? बस ये निकल गए वहाँ से, सो रहे थे बच्चे। रात को लॉक वगैरह नहीं होता वहाँ? हाँ जी, ताला वगैरह लगा के जी, ताला भी लगा के रखते हैं। तो कान के ऊपर वो टप गए जी। ये इनके पेरेंट्स जो बच्चों के हमारे पास ही काम करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं खरड़ से हूँ, खानपुर। खरड़ से? अच्छा, खरड़ के पास खानपुर है आपका जी। अच्छा, तो आपको भी कैसे पैसे पता लगा ये? ये जब इनके पेरेंट्स को फ़ोन आया, मदरसे से फ़ोन गया, भाई आपके बच्चे मिल नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लापता हैं। तो तभी इनके पेरेंट्स मेरे पास आए, इन्होंने मुझे बताया भाई ऐसे ऐसे बच्चे गायब हो गए। हम तभी इनको फ़ोन किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुर्शीद मलिक। ये बच्चे कारण क्या बना कि वहाँ से निकले हैं? ये बच्चे अभी आज 3रा दिन है, 3 दिन पहले ही इन बच्चों को वहाँ से नया एडमिशन कराया। बच्चों का वहाँ दिल नहीं लगा, ये मम्मी पापा की याद आई। तो आपके घर में सरकारी स्कूल वगैरह नहीं है, वहाँ नहीं दाखिल करवाया? वहाँ इनके 80 बच्चों के एडमिशन कराए हुए हैं स्कूल में, पर इनको इनके लिए बच्चों के लिए हमने एक अलग से एक मैम बंदा रखा हुआ है, 15,000 रुपये महीना उसकी तनख्वाह देते हैं। वो इन बच्चों को सुबह सुबह स्कूल ले कर जाता और फिर स्कूल से ले कर आता। पर ये बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे जब देखते हैं कि वो स्कूल जाना है, ये बच्चे भाग जाते हैं, ये वहाँ भी स्कूल नहीं जाते। इसीलिए इन बच्चों को भाई यहाँ चलो निगरानी में रहेंगे, यहाँ से इधर उधर भागेंगे नहीं, इसलिए इन बच्चों को यहाँ मदरसे में एडमिशन कराया था इनका। पढ़ाई के लिए बच्चे दाखिल कराए गए मदरसे के कलवाणो के, लेकिन ये बच्चे किसी तरह उतों 8 बच्चे हैं, अभी इनकी उम्र 10-12 साल के करीब है। ये निकल के उतों ये समाणा के पिंड खानपुर गाड़ियाँ पहुँचे, समाणा सदर दे इंचार्ज हैं। अवतार सिंह जी, तुहानू किस तरह इनफॉर्मेशन मिली बच्चों को, किस तरह कवर? देखो, मैंने सवेरे करीब 8 बजे टैलीफोन सा आया सीगा, साडे माणयोग मंत्री साहब दे पीए साहब ने टमाणा साहब, तो उन्होंने मैंने टैलीफोन किया भी एक ना कोई खानपुर गाड़ियाँ कोई बच्चे आए ने गे, ठीक है ना, मदरसे के भज के आए नेगे कलवाणू तो, ठीक है ना, एक टैंपू वाला उन्होंने लैके आया। उन्होंने कहा भी ये बच्चे खानपुर दस देने गे, कल होंगी हमादी, ठीक है ना, उन्होंने असी नाल बच्चों आख्या भी साढ़े को थाने लेके आओ, तो बच्चे नाल असी ने गलबात की बच्चों नाल, तो बच्चे जोड़े है खानपुर जोड़ा पिंड पैंदा है खरड़ के कोल पैंदा सी डिस्ट्रिक्ट मोहाली दे विच, ठीक है। उत्थे जदों असी ना तालमेल किया, उत्थे फोन किए, इन्हां दे पेरेंट्स नाल गल की, उन्होंने दस्सिया भी तुहाडे बच्चे ने जिहड़े, उह कहिंदे हाँ जी, तो इन्होंने फिर ये साढ़े को पेरेंट्स उरे बुलाए ने गे, पेरेंट्स नूं बुला के असी इन्हां दे बच्चों नूं सही सलामत उन्हां दे पेरेंट्सां दे हवाले कर रहे हैं, तो जो बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त ने, सही सलामत ने गे सारे, ठीक है ना। इस करके देखो क्यों भजे, कारण की है? देखो, इस गल बारे बच्चों ने असी जो गलबात की आ, ठीक है ना, तो बच्चे ने यही दस्या भी सानू 2-3 दिन पहले हले स्कूल के छड़ के गए थे, पेरेंट्स सानू दाखिल करवाया सीगा, तो साडा इत्थे जी नहीं लग्या, तो सानू माँ बाप की पेरेंट्स की पिछों ज़्यादा आँदी सी, तो इस करके असी सवेरे असी राय करके सारे बच्चों ने असी उतों दौड़े से। हूँ इन्हों के परिवार आ गए, इन्हों के परिवार से असं हैंडओवर कर रहे हैं सारे बच्चों, सही सलामत ने बच्चे, ठीक है ना, इन्हों के परिवार ने मदरसे का मालक भी जरा चला कलवाणु वाला उन्होंने भी बुलाया असी ने भी, ठीक है ना, उन्होंने सारे सामने असं बच्चों जोड़े है हैंडओवर कर रहे। कलवाणा साहब, तुम उपरला कराया नहीं तो बच्चे कितने कितने पहुँच जाते जी? सर सवेरी जो मैं पता लगे भी इदा इदा करके बच्चे ने खरड़ सैड के पिंड पैंदा कोई अपना खानपुर,
तो गलती नाल इत्थे ऑटो वाले इन्हां नूं छड्ड गया बच्चों नूं, तो पिंड वालिआं दी सहयोग दे नाल मैं प्रशासन दे नाल राबता कीता। एस एच ओ साहब ने बच्चों नूं इत्थे लिया के बच्चों का पहला तसदीक किया गया भी बच्चों नूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी, बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त ने। तो उस तो बाद अपना इन्हां दे पेरेंट्स नाल एस एच ओ साहब ने साडे ने संपर्क किया, इन्हां दे पेरेंट्स नूं बुला के अज इन्हां दे जिहड़े बच्चे इन्हां नूं इन्हां दे हवाले किए जा रहे हैं। तो जिहड़ा डर सीगा वी कि कोई अणसुखामी घटना बच्चों के नाल हो सकती सी, पर उहदा बचा रह गया ते बच्चे अज इह प्रशासन वल्लों इन्हां दे पेरेंट्स दे हवाले किए जा रहे। पैदल आ रहे मैनू ने कहा अपने खानपुर जाना जी, तो मैं चलो मैं छड्ड आना जी, पहले होर रिक्शे आ रहे उतर उतर गए उतारता जी, मैं असी खानपुर जाना जी, मैं चलो मैं छड्ड आना खानपुर जी। ये जो मुस्लिम बच्चे थे मदरसे मदरसा जोड़ा है कलवाणो के बच्चे उत्थे इन्हों छड़ के गए माता पिता, लेकिन ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उत्थों, कहते जी सू माँ बाप की याद आती है, लेकिन बच्चा का उत्थों मदरसे तो गायब होना और पुलिस की ये आप कह सकते हैं कि पुलिस की जी जल्दी कार्रवाई हुई है, तो बच्चे बरामद हो गए हैं और माता पिता के हवाले किए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रथम के नाल पुरशोत्तम कौशिक, न्यूज़ 18 पंजाब समाणा।